आज कक्षा छः के विद्यार्थियों के लिए है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा छः कृषि विज्ञान का पेपर है। प्लेन है, बिना कोण का है, पूर्णांक 50 है, समय नहीं दिया गया है, देख रहे हैं ना, और सेट 6 होगा ये, देख रहे हैं, कृषि विज्ञान का पेपर है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पूरे भारत के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह चैनल रामबाण है, समझ रहे हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे आपको 7वां 8वां 9वां सेट आपको पेपर मिल सके। अगर आपको पेपर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक। और आपके इस चैनल में पढ़ाई भी शुरू हो गई है, सभी बच्चे पढ़ाई में लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, जल्द से जल्द आपको वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड का पेपर मिलने लगेगा, ठीक। जो पढ़ाई से जुड़े रहेंगे वे हमारे पुराने छात्र, उनके ज़्यादा कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। तो सभी प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से बनती है बालू। दूसरा प्रश्न है, भू परिष्करण होता है दो प्रकार का, मैंने टिक कर दिया जो सही है, देख लेंगे। उर्वरक तैयार किया जाता है कारखाने में। खखड़ी की बाढ़ में प्रयोग किया जाता है पत्थर। खखड़ी की बाढ़ में धान की खेती होती है खरीफ। खरीफ की खेती को क्या कहते हैं, धान की। रिक्त स्थानों को भरना है। दूसरा, रोपाई के लिए धान की उपयुक्त समय, उपयुक्त प्रजाति पूछ रहा है। रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति नरेंद्र 97 अच्छी है, देख रहे ना। पशुओं से फसल सुरक्षा बाड़ लगाकर की जाती है। फावड़े से खेत की खुदाई होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा में मुख्य रूप से 4 घटक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही और गलत का निशान लगाइए। पशु अपना भोजन प्रायः पेड़ पौधों से लेता है, सत्य। खुरपी से फसलों की निराई होती है, सत्य। पौधों की जड़ें जली घोल के रूप में भोजन लेते हैं, ये सत्य है। खखड़ी विधि में ईंट का प्रयोग करते हैं, गलत। गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, गलत। अस्तंभ का व अस्तंभ खा से मिलान करना है, देख रहे हैं। कस्तंभ का में डोन राहट, खा में कुआ कम गहरा। इसके बाद देखिए, यहाँ हमारे किताब 381 में है इसका आंसर, दे रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। इधर है ढेकली, नलकूप, पत्तियाँ, इधर है तालाब, वाष्प उत्सर्जन और भूगर्भ जल, देख रहे ना। तो यहाँ पत्तियाँ को मिलाएंगे वाष्प उत्सर्जन से, भू और ढेकली को, नलकूप को मिलाएंगे भूगर्भ जल से, देख रहे ना। इस तरह से 381 पृष्ठ पर है, देख रहे ना। ये डोन को मिला दिया गया है कम गहरा कुआं, रहट को मिला दिया गया है कुआं से, और ढेकली का मिला दिया गया तालाब में ढेकली से सिंचाई की जाती थी, और नलकूप से भूगर्भ जल, नीचे का जल निकाला जाता है। पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगला पाँचवा क्वेश्चन है, मृदा की परिभाषा लिखिए। 375 पृष्ठ पर है, मृदा की परिभाषा, मृदा की परिभाषा, देख रहे हैं ना। अब मृदा की परिभाषा कहाँ है भाई, यहाँ देख रहे हैं, मृदा की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ये है। मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जो चट्टानों और खनिजों के टूटने फूटने व स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां, भू पर प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं। 377 पृष्ठ पर है, प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं, प्रारंभिक भू परिष्करण, देख रहे हैं ना, पूरा अगर पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है 7वां, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, उनके नाम लिखिए। 379 पृष्ठ पर है, सूक्ष्म पोषक तत्व और उनके नाम, सूक्ष्म पोषक तत्व और उनके नाम, देख रहे ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे ना, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान आदि, देख रहे ना। अगला है 7वें के बाद 8वां, सरसों की बुआई का उपयुक्त समय। सरसों की बुआई का उपयुक्त समय है सितंबर से अक्टूबर माह, देख रहे ना।
अनाज से आप क्या समझते हैं, 385 पृष्ठ पर है, अनाज से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल जुड़ जाना है। अनाज से आप क्या समझते हैं, देख रहे हैं ना, अनाज से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उत्तर है, देख रहे हैं पूरा दिखाई दे रहा है, एक भी अक्षर शब्द नहीं छोड़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अनाज के बाद बीज कितने प्रकार के होते हैं, साधारण बीज और उन्नतशील बीज में अंतर, देख रहे हैं ना, बीज 386 पृष्ठ पर है, बीज किसे कहते हैं, देख रहे हैं ना, बीज कितने प्रकार के होते हैं, देख रहे हैं ना, और उन्नतशील बीज का राय में बीज कितने प्रकार का, साधारण बीज और उन्नतशील बीज में अंतर, बीज कितने प्रकार, क्वेश्चन नंबर 6 यही लिखना है पूरा, साधारण बीज उन्नतशील बीज, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छाप देना है, नकल नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला है, एक सरकारी एडेड विद्यालय का पेपर है, सरकारी विद्यालय का पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका एग्जाम खत्म हो गया हो अन्य बच्चों को शेयर करें, बताएं, एडेड कॉलेज का पेपर है, समझ लीजिए बहुत। अगला है, मृदा घटक का वर्णन चित्र सहित करिए, 375 पृष्ठ पर है, 375 देख रहे, मृदा घटक का वर्णन चित्र सहित, ये मृदा घटक का है, मृदा खनिज 45%, जैविक पदार्थ 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%, सबका चित्र सहित बना दिया गया, देख रहे ना, एक भी नहीं छोड़ना है, बहुत सरकारी विद्यालय का पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। बाढ़ कितने प्रकार की होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बाढ़ लगाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, 385 पृष्ठ पर है, देख रहे ना, बाढ़ कितने प्रकार की होती है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए बाढ़ में कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक भी नहीं छोड़ेंगे, टॉप करना है, नकल नहीं करना है। अगला है, हरी खाद खाद बनाने के लिए विधि का वर्णन कीजिए, हरी खाद 380 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना, हरी खाद बनाने की विधि आपको दिखाई दे रहा है पूरा, एक भी अक्षर एक भी शब्द नहीं छोड़, पूरा का पूरा छाप देना है। अगला है, गेहूं की खेती के लिए एवं उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करने की विधि बताइए, 390 पृष्ठ पर है, 390 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना, गेहूं की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक का पूरा देख रहे हैं, पूरा दिखाई दे रहा है, एकदम छाप देना है, रट देना है, एडेड कॉलेज का विद्यालय का पेपर है। अभी आपको पेपर और चाहिए तो शेयर करते रहना। फसलों की सिंचाई, अंतिम क्वेश्चन है, फसलों की सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए, 382 पृष्ठ पर है, कितने, 382, देख रहे हैं ना, फसलों की सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा देख रहे हैं ना, एक तरफ से छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।